हेलो एवरीवन। सो राइट नाउ सैटेलाइट कनेक्टिविटी अभी बहुत न्यूज में है, स्मार्टफोन का सैटेलाइट कनेक्टिविटी, कैसे स्मार्टफोन सैटेलाइट से कनेक्ट होगा। एंड व्हाई इट इज़ द न्यूज, बिकॉज द 5G अभी जो आया है, जिसके कारण बहुत सारी टेक्नोलॉजी इमर्ज कर रहा है इसमें। इसमें से एक क्या है, सैटेलाइट कनेक्टिविटी, जिसको स्पेस फाइबर भी बोलते हैं, स्पेस ब्रॉडबैंड भी बोलते हैं। इंडिया में अभी इन्फांट स्टेज में, अभी शिशु अवस्था में, तो ये कैसे इंडिया में कनेक्ट करेगा। अभी जो एप्पल का आईफोन आया है, उन्होंने ऐसा बोला कि इफ़ योर मोबाइल स्मार्टफोन अगर सेल टावर एंड ऑल और वाईफाई से कनेक्ट नहीं है, तो वह सैटेलाइट से कनेक्टिविटी भी हो सकता है। मीन्स इमरजेंसी में आप बात कर सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं। दैट्स वाई दिस इज राइट नाउ इन द न्यूज। क्लियर। स्मार्टफोन, देर आर टू टाइप्स ऑफ द फोन। फर्स्ट इज कॉल्ड स्मार्टफोन, सेकंड इज कॉल्ड द फीचर फोन। फीचर फोन में केवल फोन कर सकते हैं, फोन सुन सकते हैं। स्मार्टफोन में ऑल दिस थिंग डिजिटली। एंड राइट नाउ बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक, इतना पेनेट्रेशन बढ़ चुका है कि स्मार्टफोन इज एवरीथिंग। Your all fintech, your all financial management, your all health management, your all education management, all are depends upon the smartphone. That's why connectivity is the very very important as far as concerned with the smartphone. Mein connectivity right now very important. तो जो भी company है वह ऐसा सोच रहा है कि smartphone के connectivity को प्रदान किया जाए, और इसका लूप होल भी है, बहुत सारे फ्रॉड भी हो रहे हैं। मैंने एक वीडियो भी बनाया है सिम स्वैप स्कैम, तो उसको जाके देख लीजिए कैसे स्मार्टफोन से ही करोड़ों रुपए लोगों को गायब हो जा रहा है। बट यहां बात करेंगे हम सैटेलाइट कनेक्टिविटी। तो सबसे पहले देखेंगे कि एक्चुअली जो स्मार्टफोन है वह कैसे काम करता है, और जो सैटेलाइट कनेक्टिविटी की बात हो रही है, इसमें क्या अंतर दोनों में हो सकता है, इंडिया में क्या संभावनाएं हैं, क्या कोई कंपनी या सर्विस प्रोवाइड करा रहा है, अगर प्रोवाइड करा रहा है तो कौन सा टेक्नोलॉजी इसमें यूज करते हैं, कौन सा टेक्निक इसमें यूज करते हैं टू प्रोवाइड द कनेक्टिविटी ऑफ स्मार्टफोन विद द सैटेलाइट। सैटेलाइट समझ रहे हैं, जो स्पेस में घूमता रहता है, ऑर्बिट करता रहता है अराउंड द अर्थ। क्लियर। तो से फर्स्ट, आप जो नॉर्मली जो फोन यूज करते हैं, हम नॉर्मली जो फोन यूज करते हैं बेस्ड ऑन द सेल टावर, बेस्ड ऑन द सेल टावर मींस द रेगुलर फोन कनेक्ट टू टावर ऑन द ग्राउंड। मींस अगर आप टावर के नजदीक होंगे तो कनेक्टिविटी अच्छा होगा, टावर के जैसे दूर जाएंगे कनेक्टिविटी अच्छा नहीं होगा। इसलिए रूरल एरिया में आप देखेंगे सेल टावर की स्थिति ये होता है, अर्बन एरिया में ये होता है, इसलिए कनेक्टिविटी थोड़ा अच्छा होता है कंपेयर टू रूरल एरिया। और डेंस अर्बन एरिया में कनेक्टिविटी बहुत अच्छा होता है। व्हाई? बिकॉज ऑफ द डेंस सेल टावर। मींस द नॉर्मली जो स्मार्टफोन है दैट रिलाई ऑन द सेल टावर, मींस जैसे आप उसके क्लोजर होंगे टावर के कनेक्टिविटी अच्छा होगा, जैसे उसे दूर जाएंगे कनेक्टिविटी अच्छा नहीं होगा। चलिए अब बात करते हैं सैटेलाइट फोन का। देखिए सैटेलाइट फोन में क्या होता है, सैटेलाइट्स दैट मूव्स अराउंड द अर्थ मींस ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। तो सैटेलाइट अगर यहां पे ऑर्बिट अराउंड द कंपेयर टू सेल टावर, क्या इसका एरिया बहुत ज्यादा होगा, देख रहे हैं ना, इसका एरिया बहुत ज्यादा होगा, तो इससे क्या होगा कि रिमोट एरिया में भी दैट प्रोवाइड ए कनेक्टिविटी। क्लियर। और यह सैटेलाइट्स, जो सैटेलाइट होगा वह एक सैटेलाइट नहीं होता, बहुत सारे सैटेलाइट, एक अगर घूम रहे हैं तो दूसरा वो कनेक्टिविटी प्रदान करेगा, ये यहां जाएगा तीसरा कनेक्टिविटी प्रदान करेगा, इन दैट वे सैटेलाइट्स वर्क। तो कंपेयर टू द सेल टावर कनेक्टिविटी अच्छा किसका होगा, ऑफ कोर्स किसका होगा, सैटेलाइट्स का। मींस दोज स्मार्टफोन दैट कनेक्ट विद द सैटेलाइट, कनेक्टिविटी इज द वेरी कनेक्टिविटी इनहेंस्ड, कनेक्टिविटी अच्छा होगा कंपेयर टू द सेल टावर। अब इसमें कौन सा टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, कौन सा टेक्नोलॉजी यूज करते हैं कि एप्पल साहब ने बोले हैं कि भाई अगर आपका जो स्मार्टफोन है इमरजेंसी में वह सैटेलाइट से भी कनेक्ट कर सकता है, सैटेलाइट से भी कनेक्ट करते, तो उस टेक्नोलॉजी को क्या कर, ये सारी चीज कब आए, जब 5G आया है लाइट में तब आया, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी बोल सकते हैं इसको, है ना। सो अब देखिए, अब यह जो टेक्नोलॉजी यूज किया जाता है दैट इज कॉल्ड 5G NTN। व्हाट डू यू मीन बाय 5G NTN, क्या मतलब है इसका, 5G तो जानते हैं फिफ्थ जनरेशन नॉन टेरिस्टेरियल नेटवर्क, मींस ऐसा नेटवर्क जो टेरिस्टेरियल पे नहीं है, मींस ग्राउंड पे नहीं है, सीधा सा मतलब है जो ग्राउंड पे नहीं है, इस तरह का नेटवर्क
5G नेटवर्क। अब इस नेटवर्क क्या करता है कि जो आपका फोन है वह सैटेलाइट से कनेक्ट हो जाता है, सैटेलाइट से कनेक्ट हो जाता है, मींस उसके लिए आपको लैंड बेस्ड टावर नहीं चाहिए और वो कनेक्ट रहता है आपको सैटेलाइट से, सेटेलाइट से। अब सेटेलाइट से आप मैसेज भेज सकते हैं, GPS यूज कर सकते हैं, वॉइस कॉल कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, क्लियर, वीडियो कॉल। सो यह सेटेलाइट फोन जो 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 दिस इज द सेपरेट्स फ्रॉम द रेगुलर फोन। अब यहाँ पे जो NR NTN, अब देखिए यहाँ पे एक टर्म आया, आप लोगों ने देखा होगा 4G के बाद लिखा रहता था LTE, दिस इज द टेक्नोलॉजी। अब 5G के बाद LTE नहीं लिखा रहेगा, हमेशा लिखा रहेगा NR, न्यू रेडियो वेव। अब इसके लिए एलोकेशन किया जाता है रेडियो वेव का, वह कंपेयर टू 4G न्यू होता है। तो कहीं भी NR लिखा रहे तो समझ जाइए दैट इज नथिंग, इट इज द 5G, क्लियर। सो अब बहुत सारे कंपनी है, जैसे मीडिया टेक हो गया, जो जो सेटेलाइट कम्युनिकेशन को पुश कर रहा है, मींस ऐसा बना रहे हैं 5G स्मार्टफोन्स दैट वर्क विद द सेटेलाइट ऑल्सो, दैट वर्क विद द सेटेलाइट ऑल्सो, क्लियर। अब इसमें देखेंगे कि इस तरह होता है, देखिए अब यह सेटेलाइट जो घूम रहा, सेटेलाइट या ग्राउंड बेस्ड यहां पे है जो 5G टावर प्रदान करेंगे, या एयरबॉर्न टावर भी होते हैं, देखिए यहां पे नॉन टेरेस्टेरियल, यानी यह टावर आकाश में ही है, यह टावर धरती पे नहीं है और यहां से कनेक्टिविटी दे रहे हैं, यहां से ग्राउंड पे है कनेक्टिविटी दे रहे हैं। तो ये सारी टेक्नोलॉजी यूज हो रही है नॉन टेरेस्टेरियल नेटवर्क के लिए, नॉन टेरेस्टेरियल नेटवर्क के लिए, क्लियर। ये सारे टेक्नोलॉजी यूज यहां पे किए जा रहे हैं। सो सारा क्या हो जाएगा, नॉन टेरेस्टेरियल नेटवर्क हो जाए, चूंकि टावर यहां पे ऊपर ही होते हैं, यहीं से डिस्पर्स करते हैं, सारे रिसीवर होते हैं यहीं पे, सेंडर होते हैं, आपके मैसेज लेंगे, आपको देंगे मैसेज, वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल, ऑल दीज थिंग्स, क्लियर। सो दिस इज द नॉन टेरेस्टेरियल नेटवर्क, मींस NR नॉन टेरेस्टेरियल नेटवर्क, क्लियर। अब देखते हैं कि इंडिया या कनेक्टिविटी आजकल क्यों हीटिंग अप है, बिकॉज सो मेनी, अभी जो एक वीडियो में बनाया था मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस अभी हुआ है इंडिया में, इसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजी, जो नई टेक्नोलॉजी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, उस पर बात किया गया था। तो इसी में यह बात किया गया था कि इस तरह का जो 5G जो स्मार्टफोन आ रहा है, वह उसमें इस तरह का सुविधा प्रदान किया जाए कि वह दैट कैन कनेक्ट विद द सैटेलाइट्स इफ एनी इमरजेंसी, दैट इज द टेरिस्टेरियल नेटवर्क इज नॉट वर्क, अगर वह टेरिस्टेरियल नेटवर्क ग्राउंड बेस्ड जो नेटवर्क है अगर काम नहीं करे तो वह मोबाइल से भी कनेक्ट कर सकता है। इसके लिए बहुत सारे कंपनी बाहर आए हैं और वह अपना इस तरह का हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का डिजाइन कर रहे हैं, चिप सेट बना रहे हैं, बिल्ट इन सेटेलाइट कनेक्टिविटी बना रहे हैं कि आपके मोबाइल में ही वह बिल्ट इन ऐसा डिवाइस होगा दैट कैन कनेक्ट, दैट कैन पावर टू ए स्मार्टफोन अदर डिवाइस एंड चिप दैट इज कैन कनेक्ट विद द सेटेलाइट नेटवर्क ऑल्सो। अब यहाँ पे देखते हैं कि इंडियन सेटेलाइट कनेक्टिविटी इको सिस्टम क्या, मीन्स इंडिया में क्या पोजिशन है, अभी जो इतना बात की है ना कनेक्टिविटी में, एक्चुअली इंडिया में क्या पोजिशन। देख इंडिया में ह्यूज पोटेंशियल है, क्योंकि यहां पे बहुत सारे पॉपुलेशन है और बहुत सारे लोग मोबाइल फोन यहां पे यूज करते हैं, बहुत सारे लोग, इवन स्कूल चिल्ड्रन भी आजकल मोबाइल फोन से ही बहुत सारे काम हो रहे हैं, क्योंकि स्मार्ट हर चीज हो रहा है। अगर किसी तरह का होमवर्क भेजना है थ्रू द स्मार्टफोन, गार्जियन के पास स्मार्टफोन, कोई मैसेज होता है कब खुलेगा कब बंद होगा, ऑल दीज थिंग्स बेस्ड ऑन द मोबाइल फोन, क्लियर। सो कनेक्टिविटी यहां तो माने रखती है, कनेक्टिविटी अच्छा होना चाहिए। तो अभी जो मोबाइल कांग्रेस में जो जियो स्पेस फाइबर जो इंडियन प्योर इंडियन कंपनी, दैट वाज कॉल्ड इंडिया फर्स्ट सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस, अर्लियर आई टोल्ड यू दिस इज कॉल्ड ऑल्सो कॉल्ड स्पेस फाइबर स्पेस ब्रॉडबैंड, क्लियर। सो जियो स्पेस फाइबर अभी आगे आए हैं और बहुत सारे जो छोटे छोटे जो व्हाट इज कॉल्ड हियर इन द गुजरात में छोटे छोटे इलाके में इन्होंने शुरू भी कर दिया विद द हेल्प ऑफ द अदर कंपनी सेटेलाइट, जो कमर्शियली सेटेलाइट कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराते हैं। इसके अलावा वनवेव है जो एयरटेल और UK गवर्नमेंट का है, इनको तो इंडियन गवर्नमेंट ने परमिशन भी दे दिया कि हाँ आप यहाँ पे सेटेलाइट फोन कर सकते हैं। इनके पास 600 सेटेलाइट है लियो में, लो अर्थ ऑर्बिट में या प्रोवाइड करा रहे हैं। अभी जो स्टारलिंक है उन्हें भी परमिशन, अभी तक उनको रेगुलेटरी उस परमिशन नहीं मिला इंडिया में इस तरह का कुछ करने के लिए,
प्रोवाइड कराने के लिए, क्लियर। सो द 5G रोल आउट के बाद में यह सैटेलाइट कनेक्टिविटी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, लेकिन इसके साथ बहुत सारे चैलेंज है अभी इंडिया में, जैसे स्पेक्ट्रम एलोकेशन। स्पेक्ट्रम मीन्स क्या होता है? स्पेक्ट्रम मीन्स दैट इज द एयरवेव, एयरवेव मीन्स ऑल्सो द एयरवेव पे भी सरकार का अधिकार है। इफ यू यूज द एयरवेव टू प्रोवाइड द कनेक्टिविटी और यूज कर रहे हैं तो सरकार को कुछ देना पड़ेगा। इसका भी एलोकेशन होता है, ऑक्शन होता है कि इस एयरवेव में इतने से इतने स्पेक्ट्रम आप यूज करते हैं, इतना गीगाहर्ट से गीगाहर्ट इतना आप यूज कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम एलोकेशन। डाटा सिक्योरिटी की भी चिंता है यहाँ पे, प्राइसिंग कंपटीशन हो सकती है क्योंकि सेटेलाइट फोन कंपेयर टू द टेरिस्ट्रियल थोड़ा सा महंगा होगा। रेगुलेशन की भी यहाँ पे प्रॉब्लम है, जो स्टारलिंक स्मार्टफोन की बात जो या बात यहाँ पे हो रही है इस वीडियो में, इसमें सारी चैलेंजिंग है, ये सारी चल। लेकिन फायदा क्या होगा कि यह डिजिटली इम्पावर करेगा ह्यूमन बीइंग को, इंडियन सिटीजन्स को अक्रॉस द कंट्री, और यह क्या करेगा सबसे बड़ी बात, इन्हांस्ड द कनेक्टिविटी, जो अभी सबसे ज़्यादा जरूरी है। अभी भी इंडिया में लगभग 50% लोगों का उतनी अच्छी कनेक्टिविटी नहीं है इन द मोबाइल। वाई? बिकॉज सेटेलाइट कनेक्टिविटी नहीं है, और रिमोट एरिया है, बहुत सारे नॉर्थ ईस्ट में एरिया है, बहुत सारे पहाड़ में एरिया है, वहाँ पे सेल टावर काम नहीं कर रहा। एक जो शुरू में मैंने बताया था कि रूरल एरिया में सेल टावर का जो पेनेट्रेशन है कंपेयर टू द अर्बन एरिया बहुत कम है। सो दैट्स वाई दिस इज द वेरी वेरी दिस इज बेनिफिट, या बहुत फ़ायदा पहुँचाएगा उस एरिया में जहाँ अभी भी टेरिस्टोरियल एंड ग्राउंड कनेक्टिविटी नहीं है, क्लियर। So this is all about the this news, and very very important, may be asked that what is highlight the importance of the satellite connectivity the mobile as far as concerned with the Indian population. So these are the important things you should know. Means maybe बहुत सारे पूछ सकते हैं कि इंडिया का फर्स्ट कौन सा जो स्पेस कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराएगा, इंडियन कंपनी कौन सी कंपनी है जिसको इंडियन रेगुलेटरी ने उनको परमिशन दे दिया है, ऑल दीज थिंग्स रिलेटेड टू योर सिविल सर्विस एग्जाम especially in the UPSC, clear. So thank you, and इसका PDF मेरे Telegram channel जो तिवारी General Study है उस पर मैं डाल दूंगा, आप लिंक बनाया हूँ तो उस पर आप कर सकते हैं। और if you like this video, अगर आपको लगता है कि यह आपको कुछ फ़ायदा पहुँचा सकता है तो सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर। सो थैंक यू एंड हैव ए गुड डे, हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।